और जितना मैं कराया हूँ उतना तुम कर लोगे, तो तुम्हें कभी सेंटर ऑफ मास में पॉइंट कंटिन्यूअस इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल का न्यूमेरिकल कराया था, ठीक है। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं एक बात पूछूं, अभी तक जो क्वेश्चन किए थे हम लोग उसमें क्या था, पार्टिकल रेस्ट में था। तो अगर पार्टिकल रेस्ट में था तो क्या अगर पार्टिकल मूव करता है, बॉडी मूव करती है, तो क्या सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा? इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? तो इसका आंसर यह है कि अगर पार्टिकल मूव करते हैं, बॉडी मूव करती है, तो सेंटर ऑफ मास की तीन कंडीशन है। सेंटर ऑफ मास या तो रेस्ट में रहेगा, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, या एक्सेलरेटेड भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो ये तीनों सही है। अगर बॉडी मूव करती है, पार्टिकल मूव करता है, तो सेंटर ऑफ मास मूव कर भी सकता है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में भी हो सकता है, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। अब ये तीनों सिचुएशन आज के डिस्कशन से आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल एनिमेशन के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये दो बॉल है, ठीक है, अगर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है, अगर ये दोनों मास इक्वल है तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं आएगा, ये M1 है और AM2 है। अब मान लो ये V1 से इधर जाने लगा हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पर, और V2 से इधर जाने लगा, तो अब जो सेंटर ऑफ मास इनका मूव करेगा ही करेगा, ठीक है, बिकॉज ये V1 से इधर जाने लगा, ये अल्फा डिग्री पे जाने लगा, ये थीटा डिग्री पे जाने लगा, तो इनका सेंटर ऑफ मास को मूव करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं पे बीच में आएगा। तो कुछ टाइम बाद अगर ये यहाँ रहेगा और कुछ टाइम बाद अगर यहाँ है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे शिफ्ट हो गया होगा, इनके बीच हमेशा रह रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे निकालना पड़ेगा पार्टिकल के साथ साथ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, ठीक है ना। चलो जैसे एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, एक सुंदर सा एग्जाम्पल है ये अच्छा वाला। इसमें क्या है कि देखो, इसमें अगर ये एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है इधर कि इसको अगर ये एक कुल्हाड़ी है, अगर इसको मैं यहां से फेंकता हूँ हॉरिजेंटल से ऐसे इसको फेंकता हूं, तो ये जो हर पार्टिकल इसका कॉम्प्लेक्स मोशन कर रहा है, बट इसका सेंटर ऑफ मास देख रहे हो, सेंटर ऑफ मास से प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है, एक पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास अगर पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास में मोशन आ गया, तो अगर सेंटर ऑफ मास में मोशन आ गया तो फिर काइनामेटिक्स मैकेनिक्स उठ के इधर सारे इक्वेशन लगेंगे। अगर मान लो सेंटर ऑफ मास का मुझे किसी इंस्टेंट वेलोसिटी निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उधर के कुछ लगाएंगे और कुछ आज पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लो इसको आप इसी इसी चीज को ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है, इस सिनेरियो को आप ऐसे यहां से देख सकते हो, ठीक है, कि अगर ये एक्स ऐसे मूव करता है, तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा, और इस पैराबोलिक पाथ में मूव करने की वजह से अब ये इसमें अगर मोशन क्रिएट हो गया, सेंटर ऑफ मास में मोशन जनरेट हो गया, तो इस सेंटर ऑफ मास में मोशन जनरेशन की वजह से मुझे वेलोसिटी निकालना होगा, एक्सलेशन निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आज करने वाले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पहले पहले हम सीखेंगे, ठीक है, कि एक एक थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, पहले हम थ्योरेटिकल डिस्कशन करते हैं, ठीक है। कहता है इफ एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है, ये एक इधर बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, और ये लॉ बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है ना, बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, कि मोमेंटम कंजर्वेशन भी ऐसे ही था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो पूरे सिस्टम की जो एक्सटर्नल नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो पूरे सिस्टम की जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब इनिशियल जितनी है वो फाइनल होगी, ठीक है। उसी तरह से अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहता है, ठीक है। चलो इसको एक बार पहले तो वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे भी देख सकते हो, इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जो फोर्स इज इक्वल टू है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए है,
तो अगर मैं इसको अब सेंटर ऑफ मास के लिए लगाता हूं, तो फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, एक्सटर्नल फोर्स, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब मास बॉडी का जीरो हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो है। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ से सिर्फ दो पॉसिबिलिटी आती है, या तो वेलोसिटी इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, या अगर मूव कर रहा होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा, ठीक है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट नहीं यार, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट होती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकती नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो स्पीड को कांस्टेंट होना पड़ता है, मजबूरी है। तो जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। चलो तो ये या तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर, अगर अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम का फार्मूला क्या था, मोमेंटम था एम बी। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास या पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है नेट रिजल्टेंट तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। एंड अभी मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑल्सो रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इसको हमें याद अभी कर लेना है। और पहले हम थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लेते हैं, फिर बाद में हम ये कहाँ से आया ये फार्मूला, एक्चुअल हम इसको डिराइव भी कर देंगे, ठीक है। एक्चुअल हम इसको डिराइव कर देंगे, पर थोड़ा सा बाद में पहले सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे मोशन करेगा कैसे नहीं करेगा, वो वाली चीजें, ठीक है। चलो तो चलो सबसे पहले उसके मोशन के बारे में चलो इसको एक काम करते हैं, पहले इन सबको थ्योरेटिकली हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर चलो अब देखो, अगर कोई पार्टिकल है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है और एक पार्टिकल यहाँ पर जिसका मास m1 है और इसका मास m2 है। अब देखो इसको, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, क्लियर है। तो अगर इसका पोजीशन वेक्टर r2 r2, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर rcm है, जो हमारे पास पहले से ही फार्मूला था, सेंटर ऑफ मास rcm इज इक्वल टू m1 r1 m1, ठीक है, m1 r1 प्लस m2 r2 एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब पार्टिकल मूव करेगा, अगर पार्टिकल मूव करेगा, मूव करेगा मतलब इसका पोजीशन वेक्टर चेंज होगा, ठीक है, पोजीशन वेक्टर चेंज होगा, तो सेंटर ऑफ मास का भी पोजीशन वेक्टर चेंज हो सकता है। और अगर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ तो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी, समझना। अब पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम सीख लेते हैं थोड़ा, ठीक ना। चलो तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूँ, ठीक है, तो डी आर सी एम और dt ये देगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आ जाएगा, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो dy dt इज इक्वल टू आर सी एम, समझना, इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो m1 dr1 dt एंड प्लस m2 dr2 dt एंड डॉट 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 एंड डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मास इज m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलेगा भाई, ठीक है। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिला तो ये dr1 अपॉन d2 क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजिशन वैक्टर ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, मतलब ये आ जाएगा m1 v1 और ये आ जाएगा m2 v2 एंड डॉट 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 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा m1 प्लस m2 एंड प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये तो ये जो है एक कुल मिला के वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, ठीक है, क्या इंटरेस्टिंग बात है वो तो मैं अभी बताया नहीं ना। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि बच्चे यहाँ बहुत सारे गलती करते हैं,
जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो एक वेक्टर है यार, ठीक है। और एक वेक्टर है तो हो सकता है जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है अगर सिर्फ एक ही एक्सिस में मूव कर रही है तब तो आप डायरेक्ट लगा दोगे यार, ठीक है। लेकिन अगर टू डायमेंशनल मोशन है तो उस वक्त मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वाले एक्स में निकालना पड़ेगा, फिर वाई में निकालना पड़ेगा, फिर मैं उनको रिजल्टेंट ले लूंगा या वेक्टोरियल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो ये अगर ये जैसे मान लो अगर ये सिस्टम है, ठीक है, अगर यहाँ पर एक मास है और यहाँ पर भी एक मास है, ठीक है, और यहाँ एक लग गई पुली, ठीक है, ये पुली इससे पास हो गई, ये ब्लॉक इधर आ रहा V1 से, ये ब्लॉक मान लो इधर आ रहा V2 से, ठीक है, स्पीड सेम होगी, तो ये, ठीक है, ये अलग अलग ये ऐसे स्लाइड कर रहे हैं, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है वो, अब देखो सेंटर ऑफ मास ये आगे आ रहा है, ये आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास एक्चुअली टू डायमेंशनल मोशन कर रहा होगा, ठीक है भाई, ये नीचे आ रहा तो और ये आगे जा रहा, तो सेंटर ऑफ मास क्या है, टू डायमेंशनली मोशन कर रहा। तो ऐसे केस में मैं सेंटर ऑफ मास यही फार्मूला लगाऊंगा, सेंटर ऑफ मास इन एक्स एक्सिस, समझना, सेंटर ऑफ मास इन एक्स एक्सिस, तो मैं लिखूंगा M1V1 एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी प्लस M2V2 दूसरे पार्टिकल की, समझना, एंड प्लस डॉट 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 एंड डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 समेशन ऑफ मास, समझ रहे हो। V1x का क्या मतलब है, पहली पार्टिकल की एक्स एक्सिस में वेलोसिटी, V2x का क्या मतलब है, दूसरे पार्टिकल की एक्स एक्सिस में वेलोसिटी। तो ये कुल मिला के इन दोनों पार्टिकल की, या जितने भी पार्टिकल रहेंगे उनकी जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस वाली दे देगी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स एक्सिस में, ये इक्वेशन देगा हमें, समझना इसको, बहुत गलती करते हैं बच्चे। तो ये जो इक्वेशन देगा हमें वो देगा एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स एक्सिस, ये वाला, ठीक है, वो आ जाएगा VCM से इसको। उसी तरह से अगर मैं, ठीक है, इसको समेशन में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो सिग्मा MIVIX वाली, ठीक है, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मास से सिग्मा MI और जितने भी पार्टिकल है I=1 to I=N एड कर देना, ठीक है ना, इस टाइप से। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई एक्सिस, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई एक्सिस में, ठीक है, तो जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस में आ जाएगा टू डायमेंशनल मोशन कर रहा, तो M1V1Y प्लस यहाँ आ जाएगा M2V2Y एंड प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मास M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये वाली जो V1Y क्या है, पहली बॉडी का वाई एक्सिस में वेलोसिटी, V2Y क्या है, दूसरी पार्टिकल की वाई एक्सिस में वेलोसिटी, और ये VCMY क्या है, इन सभी बॉडी का, जितने भी बॉडी यहाँ काउंट हुई इन सभी बॉडी का वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ सिग्मा MIVI वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई सिग्मा समेशन ऑफ मास, जितने भी हैं सबको जोड़ देना, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई एक्सिस। तो ये हमारा एक्स एक्सिस में वेलोसिटी आ गया, वाई एक्सिस में आ गया, ऊपर एक्स एक्सिस में था, तो जो नेट वेलोसिटी बनी, नेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बनेगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक्स एक्सिस में प्लस वेक्टोरियल सम ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई एक्सिस में, ध्यान देना ये वेक्टर सम है, ठीक है, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में इधर जा रहा है और वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, ये दूसरे वाले पार्टिकल का इधर इधर जा रहा है, और इन दोनों के बीच, हाँ, इन दोनों के बीच जो एंगल है दैट इज थीटा है, ठीक है, तो ये इनका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस वाली, तो इनका नेट रिजल्टेंट आ जाएगा VCM का स्क्वायर, जो आपको आता है एक्स स्क्वायर प्लस VCMY स्क्वायर का, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है, तो ये वेक्टर फॉर्म में है, IJK में लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मतलब ये आ जाएगा सिग्मा MIXI डिवाइडेड बाई सिग्मा MI, ठीक है, का स्क्वायर एंड प्लस सिग्मा
एम आई वी आई वाई वाली वेलोसिटी डिवाइडेड बाई सिग्मा एम आई का स्क्वायर, ठीक है, एंड अंडर रूट. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये एक्स ए एक्स वाला है और ये वाई वाला है, ठीक है. तो ये आपको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, कि कैसे निकालोगे, वेक्टोरियल है, वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो एक्स में निकालोगे, वाई में निकालोगे, फिर उनका रिजल्टेंट लोगे. अगर आई जे के में क्वेश्चन में पूछा है तो यहीं पे ले जाके छोड़ दोगे, आई जे के में जो भी है वो लिख लेना, ठीक है. चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा. दोबारा लौट के यहाँ आते हैं, ठीक है ना, कि अगर जनरल जो फार्मूला, जनरल दो पार्टिकल के लिए क्या है, तो जनरल जो दो पार्टिकल के लिए अपना फार्मूला है वो ये है, ठीक है, फॉर टू पार्टिकल, फॉर टू पार्टिकल के लिए, तो दो पार्टिकल के लिए जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो आ जाएगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू और डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, ठीक है. अब देख रहे हो एम वन वी वन, इंटरेस्टिंग बात है, एम वन वी वन क्या है, पहले पार्टिकल की मोमेंटम, और एम टू वी टू क्या है, दूसरे पार्टिकल की मोमेंटम. तो पी वन प्लस पी टू अगर ऊपर जोड़ोगे जितने भी पार्टिकल हैं तो वो आ जाएगा नेट मोमेंटम, वेक्टर सम, ठीक है. और ये नीचे एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू, टोटल मास ऑफ द बॉडी, टोटल मास ऑफ द बॉडी एम. इसका मतलब ये हुआ कि नेट मोमेंटम इज इक्वल टू मास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है. तो ये है ना इंटरेस्टिंग बात, ठीक है. अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या आपको लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, पूरी की पूरी बॉडी जो ये जो फार्मूला देखो, पहले जो हम पढ़ के आए थे मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम बी, उसी के फॉर्म में है, ठीक है. अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बहुत सारे पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल हैं, उनका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है, ठीक है, एक्स एक्सिस में मान लो जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है और उन सभी का समेशन पता है, तो उनका नेट मोमेंटम निकाल सकते हो. या अगर नेट मोमेंटम पता है और उन सभी समेशन का मास, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, ठीक है. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, जैसे पार्टिकल बिहेव कर रहा है, जैसे पार्टिकल के लिए पी इज इक्वल टू एम बी पढ़े थे, उसी तरह से सेंटर ऑफ मास एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है. चलो, अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूं, अब मुझे चाहिए एक्सेलरेशन. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा. तो नेक्स्ट वाला फार्मूला है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में भी रह सकता है, सेंटर ऑफ मास कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल भी सकता है, और सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट भी कर सकता है. तो ये तीनों चीज हम निकाल के देखते हैं, ठीक है. तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो ए सी एम आ जाएगा वो dy dt वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का डिफरेंशिएशन. इसका मतलब ये हुआ कि m1 dy dt v1 प्लस m2 एंड dy dt v2 एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मास इज m1 प्लस m2, ठीक है. कुल मिला के ये जो बॉडी आ जाएगी वो आ जाएगी m1 और एक्सेलरेशन a1 प्लस m2 a2 एंड m1 प्लस m2 और भी बॉडी है तो ... ठीक है. और ध्यान देने वाली बात क्या है, कि ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एक वेक्टर है. तो डायरेक्ट तो अगर टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है, सेंटर ऑफ मास टू डायमेंशनली एक्सेलरेट हो रहा है, टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है, तो तुम इसको साइन के साथ लगाओगे, आई पहले एक्स में लगाओगे, वाई में लगाओगे, फिर रिजल्टेंट लोगे, ऐसे भी कर सकते हो. या दूसरा तरीका ये है कि इसी में आई जे के रख दो, ठीक है, तो तभी भी वो वेक्टर के फॉर्म में दिखेगा. पहले वाली की बॉडी अगर एक्स एक्सिस में है, ठीक है, मैंने तो पहला वाला अगर एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में है तो आई कैप रख दो, दूसरा वाला जे कैप में है तो जे कैप रख दो, हो सकता है उसका एक्स एक्सिस में जीरो हो, ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट आई जे के में दिखने लगेगा, बट बी केयरफुल, ये वेक्टर है, ठीक है ना. चलो, तो ये बात अगर आपको समझ में आ गया कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, कि हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये तीनों चीज आपको क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या तो रेस्ट में रहेगा सेंटर ऑफ मास, या तो वेलोसिटी होगी या तो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है. चलो.